हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू साइंस मैग्नेट दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी आई होप सभी बहुत अच्छे हैं शानदार हैं जानदार हैं दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है डेली सुबह दस बजे हमारी क्लास होती है और आज है क्लास नंबर टू आप लोगों को दोस्तों कुछ भी नहीं करना सिलेक्शन के लिए आप लोगों को पता है साइंस स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है और आपको मैंने बता दिया अब आप लोगों को भटकने की जरूरत नहीं है डेली सुबह 10 बजे जुड़ जाओ जो मैं पढ़ा रहा हूं अच्छे से पढ़ो रिवाइज करो मेहनत करो कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी क्लास के बाद में चलिए और आज की क्लास की शुरुआत एक बहुत ही शानदार लाइन से कि जो सफलता की पोशाक है वो कभी भी आपको तैयार नहीं मिलते कि यार बस मेरा सिलेक्शन हो जाए बस मैं इतना सा कर लो ये इसे बनाने के लिए मेहनत का हुनर चाहिए तो बस आप लोग मेहनत करते रहिए हंड्रेड परसेंट आपको सफलता मिलेगी बिना मेहनत के कुछ भी नहीं है तो मेहनत मैं आप लोगों के लिए यहां पर कर रहा हूं आप लोगों को वहां से मेहनत करनी है दोनों मिलकर दोस्तों आप लोगों को सफलता पे पहुंचाएंगे चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास नंबर टू ठीक है पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दोस्तों आप सभी को गुड मॉर्निंग नमस्ते गुड मॉर्निंग सभी को चलिए आ जाओ स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए वे आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताइए दोस्तों आपको बोला जा रहा है यहां पर आपको बोला गया है एक एटम का स्ट्रक्चर दिया गया है परमाणु की संरचना दी गई है हमको नहीं पता ये कौन से तत्व की संरचना है यह हाइड्रोजन का है एटम या ये ऑक्सीजन का है या ये सोडियम का है या पोटेशियम का है हमको नहीं पता आपको बस ये बताना है कि ये जिस तत्व का स्ट्रक्चर है जिस तत्व का ये परमाणु है आपको बताना है वो तत्व पीरियोडिक टेबल के कौन से ग्रुप में मिलेगा कौन से वर्ग में मिलेगा कौन से समूह में मिलेगा ठीक है देखो मैंने आप लोगों को कल भी एक चीज बताई थी अगर किसी के बाहर देखो आप अब बहुत जन इसको कैसे सोल्व करेंगे गिनना स्टार्ट कर देंगे सर पहली कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन है सर दूसरी कक्षा में एक दो तीन चार पांच छह सात आठ सर दूसरी कक्षा में आठ इलेक्ट्रॉन है सर तीसरी कक्षा में एक दो तीन चार पांच छह सर छह इलेक्ट्रॉन है दोस्तों आपको पता है अब ऐसे करोगे ना तो बन जाएगा लेकिन टाइम लगेगा आप लोग सिंपल से ध्यान रखो अगर किसी के बाहितम कोष में छह इलेक्ट्रॉन है तो वह सारे आप लोगों के सोलवे ग्रुप में आएंगे तो ये जो तत्व है उसको आप लोग कौन से ग्रुप में रखोगे सोलवे ग्रुप में रखोगे हमारी जो पीरियोडिक टेबल है इसके सोलवे ग्रुप में जितने भी तत्व आते हैं ऑक्सीजन हो सल्फर हो सेलिनियम हो सभी के बाहितम कोष में छह इलेक्ट्रॉन होंगे सत्वे ग्रुप में जो भी आपके तत्व आएंगे उन सभी के बाहितम कोष में सात इलेक्ट्रॉन होंगे चाहे वो फ्लोरीन हो क्लोरीन हो ब्रोमीन हो 15वें ग्रुप में जो भी आएंगे उन सभी के बाह्यतम कोश में पांच इलेक्ट्रॉन होंगे तो अगर आपको दिख रहे हैं कि इसके बाह्यतम कोश में छह इलेक्ट्रॉन तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है सीधे-सीधे आपको बता दो ये 16वें ग्रुप में मिलेगा ये आपको अच्छा क्वेश्चन था ना आ जाओ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताओ बताओ क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चालकोजन नहीं है सर चालकोजन किसको बोलते हैं देखो ये रही हमारी पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी इसमें जो वर्टिकल लाइंस होती है इसे आप लोग बोलते हैं ग्रुप यानी वर्ग दोस्तों सोलवे ग्रुप के अंदर जितने भी तत्व आते हैं सभी को आप लोग बोलोगे चालकोजन सर कौन कौन से आते हैं सोलवे ग्रुप के अंदर ओ स्टाइल से टी पो यानी ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम और आपका पोलोनियम ये सारे के सारे आपके चालकोजन होंगे तो इनमें से कौन सा चालकोजन नहीं है क्या फॉस्फोरस इसमें आ रहा है क्या नहीं आ रहा तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा है क्या तो बी आपका आंसर हो जाएगा आपको यह नहीं चुनना था कौन सा आपके स्क्रीन पे आप लोग बताए। दोस्तों क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है रेलवे में और दोस्तों ग्रुप डी में तो लगभग हर शिफ्ट में यह वाला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था चलिए सर बताइए तो ये तो आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आ जाओ दोस्तों आपको यहां पर क्या दिया गया है कुछ मेटल्स दी गई है जैसे पोटेशियम सोडियम जिंक कॉपर ये किसका सिंबल होता है मरकरी का और ये किसका सिंबल होता है सिल्वर का होता है गोल्ड का क्या होता है एयू होता है ठीक है सर आपको पता है जितनी भी मेटल्स होती है सबकी रिएक्टिविटी अलग अलग होती है कोई ज्यादा रिएक्टिव होता है कोई कम रिएक्टिव होता है तो आप लोगों को बताना है डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको सेट करना है यानी जिसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है उसको सबसे पहले रखना है जिसकी रिएक्टिविटी सबसे कम है उसको सबसे बाद में रखना है अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर मेटल्स तो बहुत सारे होते हैं एल्यूमिनियम जिंक सोडियम पोटेशियम कैल्शियम पता नहीं कितने मेटल्स होते हैं सर नब्बे से भी ज्यादा मेटल होते हैं सर तो सर मैं कितनों की याद रखूंगा आपको ऐसा अब आपको ध्यान रखना है आपको केवल इन मेटल्स की याद रखनी है क्योंकि ये आपको कहां पर दी गई है एनसीआरटी में दी गई है तो आप लोगों को एनसीआर में इन मेटल्स का क्रम दिया गया है कि किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है किसकी कम तो आपको ये ही ध्यान रखना है इसी से आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों को जितनी भी मेटल है सबका ध्यान नहीं रखना तो सर कैसे ध्यान रखें देखो सबसे टॉप पे ध्यान रखना जैसे मैं आपको बोलूं कौन से एग्जाम आपका सबसे टॉप लेवल का होता है आप लोग बोलोगे पीएससी Public Service Commission, Public Service Commission, तो potassium की reactivity सबसे ज्यादा होती है। potassium का सिंबल क्या होता है, है तो सिंबल क्या होता है तो सबसे पहले आप लोग दोस्तों पोटेशियम को बिठा दो उसके में sodium को बिठा दो अरे सर हम तो एक भी ऑप्शन सही नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं अब मुझे बताओ क्या गोल्ड महंगा आता है क्या सर बहुत महंगा आता है वो मेटल वो इतना महंगा क्यों है क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी बिल्कुल कम है ऐसा नहीं है आप लोग उसको खुले में रखोगे तो खुले में ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा ये किसी और से अभिक्रिया कर लेगा वो किसी से भी अभिक्रिया नहीं करता वैसा का वैसा रहता है इसलिए वो आप लोगों का इतना महंगा है तो गोल्ड को सबसे नीचे बिठाओ गोल्ड का सिंबल होता है एयू सिल्वर जो होता है चांदी ये भी महंगा आता है क्या बिल्कुल लेकिन चांद ये सोने जितना नहीं आता यानी उसकी रिएक्टिविटी हल्की सी ज्यादा है ठीक है तो आपको गोल्ड का तो यहां पर दिया हुआ नहीं था सिल्वर का दिया होता तो सिल्वर आपका सबसे आखिरी में आ जाएगा तो आप लोगों का ये नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता ठीक है या तो ए होगा या सी होगा अब दोस्तों बात करते हैं मरकरी पारा दोस्तों इकलौता ऐसा मेटल है कि तरल अवस्था में पाया जाता है तो सर अगर बात करें मेटल में इसको बिल्कुल नीचे रखेंगे इसकी रिएक्टिविटी बिल्कुल कम होती है ना है ना ऊपर से ये तरल अवस्था में पाया जा रहा है तो ये आप लोगों का सिल्वर से जो ज्यादा हो जाएगी वो हो जाएगी मरकरी की मरकरी से अब देखो ये रहा आप लोगों का मरकरी ये रहा। मरकरी से ज्यादा है किसकी कॉपर की तो मरकरी से ज्यादा आप लोगों का हो जाएगा कॉपर कहां पर दिया हुआ है मरकरी से ज्यादा है कॉपर ना कि कॉपर की, की ज्यादा है ठीक है सॉरी मरकरी से ज्यादा है कॉपर की ना कि मरकरी की ज्यादा है तो ये नहीं होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे सर इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी दोस्तों क्लास के बाद में टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी आप अच्छे से पढ़ाई करो पढ़ाई पे ध्यान दो पीडीएफ पीडीएफ करते रहते हो पता नहीं क्या होता है पीडीएफ से पीडीएफ मिलेगी लास्ट में पहले समझना तो पड़ेगा ना आपको बताओ तो आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा गया है कि सोल्डर दोस्तों ये सोल्डर क्या है सोल्डर एक मिश्र धातु है अलॉय है सर अलॉय किसको बोलते हैं ऐसे जो आप लोगों के दो या दो से अधिक धातु से मिलके बना होता है तो अगर ये एक अलॉय है अगर ये मिश्र धातु है तो ये भी किन्नी दो धातु या दो से अधिक धातु से मिलके बना होगा बिल्कुल दोस्तों ये जो मिश्र धातु है ना वो किससे मिलकर बना होता है वो मिलकर बना होता है लेड से और टिन से अब पहचानोगे कैसे देखो लेड का सिंबल होता है पीबी क्योंकि लैड का लेटिन नेम होता है प्लम्बम सिमिलरली टिन का जो सिंबल होता है वो टी नहीं होता

एक रॉड सी होती है उसके पास में उसको गर्म करता है वो मेल्ट होकर इसके अंदर गिर जाता है वो इस प्रोसेस को बोलते हैं सोल्डरिंग ये दो पार्ट को चिपकाने के लिए होती है तो ये जो बीच में जो आपने पदार्थ डाला ना वो क्या डाला सोल्डर डाला ये किसका बना होता है लेड का और टिन का सर और भी मिश्र धातु होते हैं बहुत सारे होते हैं सर मुझे एटलीस्ट इसके साथ में दो तो और बताओ ठीक है मैं दो आपको बता देता हूं और आप मुझे बताओ आपको पता है क्या ब्रास ब्रास बताओ ब्रास यानी पीतल किसका बना होता है ये भी एक मिश्र धातु है बात करें दोस्तों ब्रॉन्ज यानी कांसा ये किसका बना होता है दोनों भी बताइए तो दोस्तों शोल्डर तो मैंने आपको बता दिया आपको मुझे बताना है ब्रास और ब्रांज किससे मिलके बने होता है दोस्तों देखो बात करो ब्रास की तो, तो ये बना होता है कॉपर और जिंक से सर इसका परसेंटेज ध्यान रखना है बिल्कुल इसका ध्यान रखना है सत्तर परसेंट कॉपर और जिंक होता है तीस परसेंट दोस्तों की से की सर इसमें इसमें क्या होता इसका है? होता है और ब्रास में ता जिन्ग। ता जिन्ग। है कॉपर और टिन याद रह जाएगा परसेंटेज याद रखना अट्ठासी परसेंट बारह परसेंट इसमें आप लोगों का ब्रॉन्ज में और ब्रास पीतल जो होता है ना उसमें होता है कॉपर सत्तर परसेंट और आप लोगों का जो जिंक होता है वो होता है तीस परसेंट याद रख लोगे चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइए बताओ दोस्तों आ रही है बात समझ में जल्दी से कमेंट करके बताएं जल्दी से बताओ आराम से समझो कोई बात नहीं देखो यहां पर आप लोगों को एक कॉलम दिया गया है जिसमें आप लोगों को हड्डी के नाम दिए गए हैं जैसे कारपलेख हड्डी का नाम है एक हड्डी का नाम है आपको बताना इनकी संख्या कितनी होती है हमारी बॉडी में देखिए दोस्तों हमारी बॉडी में एक एडल्ट में बात करें टोटल 206 हड्डियां हैं इन सभी हड्डियों के अलग अलग नाम है सबसे पहले तो कोई मुझे बताएगा कार्पल हड्डी कहां पर होती है बिल्कुल सर मैं आपको बताता हूं हमारी जो रिस्ट होती है ना कलाई इसमें छोटी छोटी आठ हड्डी होती है छोटी छोटी आठ हड्डी होती है तो इनको बोलते हैं कार्पल तो आठ कार्पल इधर हो गई आठ कार्पल इधर हो गई यानी टोटल कार्पल कितनी हो जाएगी हमारे पास में सोलह हो जाएगी यानी वन आप लोगों का किससे कनेक्ट होगा आर से कनेक्ट होगा वन अगर आप लोगों का आर से कनेक्ट होगा तो ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता चलिए दोस्तों बात करते हैं पटेला सर ये हड्डी कौन सी होती है दोस्तों जो हमारा घुटना होता है ना जो हमारा नी होता है उसमें एक छोटी सी हड्डी होती है जिसका नाम है पटेला तो एक पटेला इस वाले घुटने में एक पटेला इस वाले घुटने में तो टोटल तो अगर मैं बात करूं पटेला बोन की इनकी कुल संख्या कितनी हो जाएगी दो हो जाएगी यानी फोर आप लोगों का क्यू से कनेक्ट होगा तो फोर आप लोगों का अगर क्यू से कनेक्ट होगा फोर आपका अगर क्यू से कनेक्ट होगा तो ये ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा एक ही आप लोगों का ऑप्शन बचा ऑप्शन नंबर डी चलिए और हम लोग बात करते हैं सर मेटाकार्पल कार्पल कौन सी हड्डी होती है देखो मैंने आपको बताया हमारी कलाई में जो छोटी छोटी आठ हड्डी होती है उसे आप लोग बोलते हैं कार्पल ठीक ठीक है, थीक है। दोस्तों अब बात करते हैं यहां पर चलो मैं आपको डायग्राम से दिखा दू मैं परेशान क्यों हो रहा हूं देखो यहां पर देखो आपकी कलाई में छोटी छोटी जो आठ हड्डियां हैं उसे आप लोग बोलोगे कार्पल अब दोस्तों कार्पल के बाद में यहां पर पाम हथेली में पांच हड्डियां एक दो तीन चार पांच देखो एक दो तीन चार पांच इन्हें आप लोग बोलते हैं मेटा कार्पल यहां पर पांच इस हथेली में

ठीक है सर ये मेटा अच्छा हाँ मेटाकार्पल कार्पल कौन सी होती पूछी तो है मैं बता मेटाकार्पल कार्पल तो बताता एक दो तीन चार पांच तो पांच आपके इस हथेली में पांच इस हथेली में तो टोटल मेटा कार्पल कितनी हो जाएगी दस हो जाएगी तो थ्री आप लोगों का एस से कनेक्ट हो जाएगा आगे बात समझ में कोई दिक्कत दोस्तों सिलेक्शन लेना चाहते हो ना अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो एक ही चीज आप लोग ध्यान रखो कंसिस्टेंसी कोई बात नहीं कई बार क्वेश्चन होगा जो आप लोगों से बहुत आसानी से बन जाएगा कई बार थोड़ा मुश्किल से बनेगा तो घबराना नहीं है कोई बात नहीं एक बार उसको अच्छे से और समझ लो छोड़ना कुछ भी नहीं है क्योंकि जीवन में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको बहुत आसानी से मिल जाए तो अगर आप लोगों को कहीं पर तकलीफ आ रही है उधर बस थोड़ा सा अपना एफर्ट बढ़ाना है और कुछ भी नहीं करना क्योंकि दोस्तों 80 से पचानवे परसेंट लोग मैं सीरियसली बता रहा हूं क्या करते हैं अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता वो सब छोड़ देता रहे यार नहीं मेरे बस की बात नहीं है या फ्री क्लास ही बेकार है तो दोस्तों वहां पर तो बल्कि आपको ज्यादा एफर्ट की जरूरत थी और आपने वहां पर जीरो एफर्ट दे दिया तो अगर वहां पर आप लोग एफर्ट दे देते तो वो चीज भी कवर हो जाती बाकी चीज तो आपकी कवर हो ही रही थी समझ मारो तो डेली आप लोग जुड़िए मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूं आपको इसके अलावा कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है चलिए आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हम सारे क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो डायग्राम वाले क्वेश्चन हो सब टाइप के क्वेश्चन करेंगे चलिए इसका आंसर बताओ देखो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है जब आठ किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर कोई बल दो सेकंड कार्य करता है तो यह वस्तु के वेग को चार मीटर पर सेकंड से नौ मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है चलिए दोस्तों कोई वस्तु थी जिसका द्रव्यमान आप लोगों को दिया हुआ था आठ किलोग्राम ठीक है दोस्तों प्रारंभ में इसका वेग कितना था सर ये चार मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रहा था आपने क्या लगा दिया आपने लगा दिया एक फोर्स आपने लगा दिया एक बल आपके फोर्स लगाने से क्या हो गया क्या प्रभाव आया इसका वेग सर बढ़ गया चार से कितना हो गया आठ मीटर पर सेकंड हो गया कितनी देर के लिए लगाया था आपने फोर्स सर मैंने तो दो सेकंड के लिए लगाया था तो देखो दो सेकंड में क्या प्रभाव हो गया वेग चार से आठ हो गया अगर बहुत ज्यादा देर के लिए, लिए लगाते हैं तो और बढ़ जाता चलिए तो आपको यह बताना है कि आपने फोर्स कितना लगाया दोस्तों फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है सर फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सलरेशन यानी द्रव्यमान गुना त्वरण दोस्तों किस बॉडी पर फोर्स लग रहा है इस पे लग रहा है ना आपको ये देखना है ना इस पे कितना बल लग रहा है तो इसका द्रव्यमान लेना है इसका द्रव्यमान कितना है आठ किलोग्राम दोस्तों त्वरण क्या होता है एक्सलरेशन क्या होता है वेग में परिवर्तन की दर रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इसका मतलब वेलोसिटी में कितना चेंज आया बटे कितने टाइम में आया कितना चेंज आया सर चार मीटर पर सेकंड से आठ मीटर पर सेकंड हो गया कितने का चेंज आ गया चार मीटर पर सेकंड का चेंज आ गया कितने समय में आया दो सेकंड में आया तो देखो ये चार कट गया दो से दो बार में आठ इंटू दो सोलह और आपको पता है फोर्स का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन दोस्तों कुछ गड़बड़ करी के मैंने अच्छा चार से नौ हो रहा है मैंने गलती से चार से आठ कर दिया सॉरी सॉरी चार से नौ हो रहा है चार से नौ हो रहा है तो कितने का चेंज आ गया पांच का चेंज आ गया तो यह आठ बट्टे दो चार पाँच चौक बीस न्यूटन आएगा ठीक है बीस न्यूटन आएगा सॉरी मैंने चार से आठ लिख दिया चार से नौ हो रहा था ठीक है तो करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्लियर है हां पांच है एम रियली सॉरी बच्चे बोल रहे हैं कि सर यहां पर वहां जाए बिल्कुल है ना मैंने गलती से आठ लिख दिया था चलिए अब क्लियर है चले आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बहुत प्यारा क्वेश्चन अगर आपने कल एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था समझा था क्लास को देखा था तो ये क्वेश्चन आप लोग बना लोगे अगर नहीं भी समझ में आया आधा ही समझ में आया था तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा देखिए दोस्तों आप लोगों को पता है कि यहां पर बहुत सारे प्रतिरोध लग रहे हैं सर चार ओम इसी के पैरेलल में दूसरा एक चार ओम यहां पर ओम इसी के पैरेलल में छह ओम ठीक है आपको पता है आपने इस पूरे को बैटरी से कनेक्ट कर रखा है तो बैटरी से क्या निकलती है करंट निकलती है कुछ करंट निकलेगी 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 पहले तो मुझे बताओ यहां से जो करंट निकल रही है मेन जो करंट निकल रही है बैटरी से उसकी वैल्यू क्या है पहले तो आप लोग ये निकालो तभी आप लोग आगे के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे पहले तो ये बताओ ये करंट कितनी निकल रही है मेरा क्वेश्चन ये है तो करंट आप लोगों की कितनी निकल रही कैसे पता लगाओगे एक सिंपल सा फॉर्मूला है वी बराबर आई इन आर कितने वोल्ट की बैटरी लगा रखी है दोस्तों बीस वोल्ट की बैटरी लगा रखी है इससे कितनी करंट निकल रही है मान लो आई करंट निकल रही है दोस्तों ये जहां पर जा रही है उसका रेजिस्टेंस कितना है सर बहुत सारे रेजिस्टेंस है तो उनका एक रेजिस्टेंस बनाओ सबसे पहले इनका इक्वलेंट रेजिस्टेंस बनाओ क्लियर है क्या इनका समतुल्य प्रतिरोध निकालो

आ जाएगा क्या आ जाएगा क्या अब ये दो ओम और ये तीन ओम किसमें एक सीरीज में है सर एक श्रृंखला में है। तो जब भी कोई दो प्रतिरोध श्रृंखला में होता है उनका समतुल्य कैसे निकालते हैं सर सिंपली ऐड कर लो तो दो प्लस तीन पांच ओम यानी टोटल जो रेजिस्टेंस आ जाएगा ये क्या हो गया ठीक है टोटल जो रेजिस्टेंस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आच, ओम आ जाएगा तो करंट की वैल्यू कितनी आ गई बीस बटे पांच आ जाएगी दोस्तों ये बात समझ में आ गई क्या अब मैं इस चीज को रफ कर दूं अब इस चीज को रफ कर दूं बिल्कुल सर इस चीज को रफ कर दो आपको यह पता पड़ गया कि यहां से जो करंट निकल रही है वो कितनी निकल रही है चार एम्पियर निकल रही है अब होगा क्या दोस्तों ये चार एम्पियर जब जाएगी तो बटेगी कुछ इसमें जाएगी कुछ इसमें जाएगी ज्यादा कहां पर जाएगी सर जिसका प्रतिरोध कम होगा कम कहां पर जाएगी जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा सर ये दोनों प्रतिरोध क्या है बराबर है यानी चार एम्पियर आदि आदि बढ़ जाएगी दो इसमें जाएगी और दो इसमें जाएगी क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया था कि अगर किसी एक चार ओम रेजिस्टेंस की बात करी जाए तो उसमें कितनी करंट फ्लो होगी तो उसमें होगी दो एंपेयर ठीक है अब दोस्तों ये दो एम्पियर इधर से आई ये दो एम्पियर इधर से आई दो प्लस दो वापिस कितनी हो गई चार हो गई अब वापिस चार एम्पियर को बांटना है ज्यादा कहां पर जाएगी सर जहां पर प्रतिरोध कम होगा लेकिन ये दोनों प्रतिरोध बराबर है यानी चार एम्पियर बढ़ जाएगी वापिस दो एम्पियर दो एम्पियर तो अगर किसी एक चार ओम रजिस्टेंस की बात करें उसमें भी दो एम्पियर फ्लो हो रही है अगर किसी छह ओम रेजिस्टेंस की बात करें उसमें भी दो एम्पियर फ्लो हो रही है दोस्तों क्वेश्चन अच्छा था एक कॉन्सेप्ट सीखने को मिला नया बताओ बताओ जल्दी से अब गलती से लोग बताओ क्या करते हैं आपसे पूछा गया है चार ओम रेजिस्टेंस और छह ओम रेजिस्टेंस में करंट कितनी फ्लो होगी तो वो सोच रहे हैं कि चार ओम जो रेजिस्टेंस है वो कम है तो इसमें करंट ज्यादा होगी छह ओम में कम होगी तो वो वो वाला ऑप्शन चुनते हैं जहां पर आगे वाला मान ज्यादा दिया हो पीछे वाला कम दिया हो अरे दोस्तों यहां पर देखो आप जब तक आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करोगे रटने से कोई भी मतलब नहीं है और साइंस में कुछ भी नहीं रटना सारी चीजें समझनी है आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी समझ में आ गई अच्छा क्वेश्चन था आ गया समझ में यस बोल दीजिए फिर हम लोग चलते हैं आगे बहुत बढ़िया आ जाओ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताओ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू बतानी है सिंपल आपसे कोई परिभाषा नहीं पूछी आपसे बताया पूछा गया है कि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है अब सर ये होता क्या है पहले मुझे ये बताओ तब तो मैं आपको वैल्यू बताऊंगा देखो दोस्तों जैसे मान लो आपके पास में पानी है जिसका टेम्परेचर है बीस डिग्री सेल्सियस ठीक है एक कंटेनर में पानी है जिसका तापमान है बीस डिग्री सेल्सियस आप क्या कर रहे हो नीचे से गर्म कर रहे हो तो गर्म करने से क्या होगा सर टेम्परेचर बढ़ेगा तो बीस डिग्री सेल्सियस का जो पानी है वो किसमें वो कन्वर्ट होगा चालीस डिग्री सेल्सियस के पानी में और गर्म करोगे चालीस का किसमें होगा सौ डिग्री सेल्सियस के पानी में कन्वर्ट होगा अब आप जब और हीट करोगे ना तो आप लोग देखोगे इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा तो सर जो मैंने हीट दी वो कहां गुप्त हो गई कहां गायब हो गई उस हीट का यूज हो गया इसकी अवस्था परिवर्तन में इसकी स्टेट चेंज में यानी 100 डिग्री सेल्सियस का पानी कन्वर्ट हो गया 100 डिग्री सेल्सियस के वाष्प में तो जो आपने हीट दी उसका यूज कहां पर हुआ टेम्परेचर बढ़ाने में नहीं उसकी अवस्था में परिवर्तन में इसी हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यानी वाष्पन की गुप्त उष्मा तो पानी के लिए वाष्पन की गुप्त उष्मा का मान कितना है 22.5 टू पॉइंट की पावर 5 जूल पर केजी इसका मतलब क्या है कौन मुझे बताएगा इसका मतलब सर इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास में एक किलोग्राम 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी है वापस समझना अगर आपके पास में एक किलोग्राम पानी है जिसका तापमान है 100 डिग्री सेल्सियस अगर आप लोग इसको 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प में वेपर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सर इतने जूल हीट देनी पड़ेगी समझ में आ गई बात को समझ में आ गई देखो मैंने आपको यहां पर तीन चीज समझाई कि वाष्पन की गुप्तुष्मा क्या होती है पहली चीज ये दूसरी चीज मैंने आप लोगों को यह समझाई कि यार जब 100 डिग्री सेल्सियस का पानी है आप लोग जब उसको हीट दोगे तो उससे उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा वो हीट आप लोगों का यूज होगी उसको वाष् में कन्वर्ट करने में और तीसरी चीज इसकी वैल्यू कितनी है दोस्तों सिमिलरली एक चीज मुझे बताओ आपके पास में बर्फ है जिसका टेम्परेचर है माइनस बीस डिग्री सेल्सियस की आइस है इसको आपने गर्म करा गर्म करने से इसका टेम्परेचर बढ़ गया माइनस दस से कितना हो गया माइनस चार डिग्री सेल्सियस हो गया बढ़ गया ना ये दोस्तों और आपने हीट दी इसका टेम्परेचर बढ़ के कितना हो गया चार्ड, माइनस चार से जीरो डिग्री सेल्सियस पे आ गया आइस और आपने हीट दी तो आप देखते हो दोस्तों इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा तो सर वो हीट गायब कहां पर हो गई उस उस हीट उस हीट का इस्तेमाल कहां पर हुआ जीरो, डिग्री की को जीरो डिग्री के पानी में कन्वर्ट करने के लिए तो दोस्तों जो हीट आपके जीरो डिग्री सेल्सियस को जीरो डिग्री सेल्सियस के पानी में कन्वर्ट कर रही है उसको आप लोग क्या बोलोगे लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग गलन की गुप्त गुप्तमा बर्फ को मेल्ट कराने के लिए जो हीट लगी उसे आप लोग बोलोगे लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग तो सर इसकी भी वैल्यू बता दो दोस्तों इसकी वैल्यू होती है तीन किलो जूल पर केजी बोल दो या तीन तीन चार जीरो 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 जूल पर केजी बोल दो यानी एक किलोग्राम जीरो डिग्री सेल्सियस का पानी है अगर आप लोग इसको सॉरी एक किलोग्राम जीरो डिग्री सेल्सियस की आइस है बर्फ है अगर आप लोग इसको मेल्ट करके जीरो डिग्री सेल्सियस के पानी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो तीन सौ चौतीस किलोजूल हीट देनी पड़ेगी तो तीन सौ चौतीस किलोजूल बोल दो या तीन तीन चार जीरो 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 जूल बोल लो बात बराबर है बात आ गई क्या समझ में आ गई चले आगे चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन सोल्व करो इस बार के ग्रुप डे का है सारे क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर हो एक्सपेक्टेड हो कुछ भी नहीं छोड़ेंगे बताओ बताओ जल्दी दोस्तों आप लोगों से क्या बोला जा रहा है कि जब किसी तांबे के तार में इतनी करंट फ्लो होती है तो इसके सिरों पर विभवान्तर यह है तार का प्रतिरोध क्या है दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करो देखो जैसे आप मुझे बताओ आपके घर में कोई कॉपर का तार पड़ा है दोस्तों कैसे में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है अपने आप ही घर पे पड़ा है स्टार्ट हो जाएगी क्या नहीं जैसे आप लोगों को पता है हीट कैसे फ्लो होती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर यानी हीट के फ्लो के लिए क्या होना चाहिए टेम्परेचर का डिफरेंस होना चाहिए तापमान में अंतर होना चाहिए तो अगर आप लोग चाहते हो इस पॉइंट से इस पॉइंट में करंट फ्लो हो तो इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए विभवांतर होना चाहिए अब सर विभवांतर में कैसे लगाऊं तो विभवांतर लाने के लिए ही आप लोग क्या करते हो बैटरी लगाते हो जैसे आपने मान लो एक बैटरी लगाई दो वोल्ट की इसका मतलब क्या है इस सिरे और इस सिरे के बीच में विभवांतर कितना है दो वोल्ट का है अगर मान लो आप लोग तीन वोल्ट के लगाते हो इसका मतलब इस सिरे और इस सिरे के बीच में विभवांतर कितना है तीन वोल्ट का है बात समझ में आ गई क्या आ गई क्या ठीक है सर दूसरा कॉन्सेप्ट समझो दोस्तों हर तार का कोई ना कोई प्रतिरोध होता है किसी का ज्यादा होता है किसी का कम होता है लेकिन सबका होता तो है तो मान लेते हैं इसका जो प्रतिरोध है वो कितना है आर है मुझे नहीं पता कितना है दस ओम है पचास ओम है मुझे नहीं पता तो अब आप लोग फॉर्मूला लगाइए देखो अगर किसी तार के सिरो पे विभवांतर है V, अगर इसमें बहने वाली करंट है I, अगर इसका प्रतिरोध है R, तो इनके बीच में रिलेशन क्या होता है V बराबर आई इंटू आर तो कितने वोल्ट की बैटरी लगाई दो वोल्ट की करंट कितनी फ्लोर रही है पॉइंट फोर एम्पियर तो बताओ रजिस्टेंस कितना था तो रजिस्टेंस था सर टू अपॉन जीरो पॉइंट फोर ये पॉइंट हटाया आया जीरो तो बीस कटा चार से पांच बार में रजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है ओम होता है और ओम का सिंबल होता है ये तो पांच ओम आपका आंसर हो जाएगा देखिए दोस्तों क्वेश्चन को आप लोग सिंपल मैं ये भी बता सकता था V वाई आर लगा के लेकिन आपको कॉन्सेप्ट बताना जरूरी था क्योंकि सीरीज का उद्देश्य यही है क्वेश्चन के माध्यम से आपका हर एक कॉन्सेप्ट कवर करना दोस्तों आ गया क्या समझ में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आंसर बताओ एक लड़का बोल रहा है सर ये आता है सबको कुसुम जी बोल रहे हैं ये आता है सबको कुसुम जी आपको आता है बहुत अच्छी बात है लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको हर एक चीज सिखानी है ठीक है क्लियर है तो मुझे तो आपको हर एक चीज सिखानी है आ जाओ दो किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान है दो किलोग्राम जो 120 मीटर की ऊंचाई पर है ठीक है जमीन से कितनी ऊंचाई पर है एक वस्तु है जो जमीन से 120 मीटर की ऊंचाई पर है क्लियर है क्या और 20 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है है ना जैसे मान लो पक्षी उड़ता है ना एक हाइट पे प्लेन उड़ता है तो ये भी दोस्तों क्या कर रही है गति कर रही है और दोस्तों इसका वेग क्या है किस वेग से गति कर रही है 20 मीटर पर सेकंड से तो इसकी ऊर्जा कितनी है अब आप लोग बोलोगे सर जब भी कोई वस्तु गति करती है तो उसमें ऊर्जा होती होती है होती है काइनेटिक एनर्जी तो सर इसकी काइनेटिक एनर्जी का कितना होता है एम वी तो फॉर्मूलाई टू इसका द्रव्यमान कितना है दो किलोग्राम इसका वे कितना है बीस बीस का स्क्वायर चार सौ सर दो से दो कटा आंसर आ गया सर चार सौ जूल आप करोगे ऐसे एग्जामिनर करेगा ऐसे अरे क्या इसके पास में केवल काइनेटिक एनर्जी है क्या क्या और कोई एनर्जी भी एक है जब भी दोस्तों कोई वस्तु जमीन से कुछ हाइट पे होती है तो उसके पास में पोटेंशियल एनर्जी भी होती है स्थिति ऊर्जा भी होती है और आप लोग देख रहे हो जमीन से कुछ हाइट पर है तो उसके पास में पोटेंशियल एनर्जी है स्थिति ऊर्जा है उसका फॉर्मुला क्या होता है एम जी एच एम इसका द्रव्यमान कितना है दो किलोग्राम गुरुत्वीकरण का मान कितना होता है सर नौ होता है आप लोग दस मान लो भी है ना और कितने हाइट पर है 120 मीटर की हाइट पर है तो 120 सौ बीस इंटू दो हो गया 240 240 चालीस सौ चालीस दस हो गया कितना 2400 जूल तो इसके पास में टोटल एनर्जी कितनी है देश प्लस देश तो 2400 प्लस 400 कितना हो गया 2800 हो गया ऑप्शन नंबर सी दोस्तों बढ़िया क्वेश्चन था क्या बढ़िया क्वेश्चन था क्या अरे आई बात समझ में दोस्तों एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को और बताना चाहूंगा क्योंकि यार अपन एक परिवार है कोई भी ऐसा कोई रिलेशन नहीं वो नहीं है कि अपना प्रोफेशनल वाला मैं टीचर आप स्टूडेंट हो मेरे एक्चुअली दोस्तों तीन साल से थ्रोट में इंफेक्शन है प्रॉब्लम है कम से कम मैं पचास से सौ डॉक्टर को दिखा चुका हूं बट फर्क नहीं पड़ा सर प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम तो बताओ सर दोस्तों अगर मैं पूरे दिन में तीन घंटे से ज्यादा क्लास लेता हूँ ना ठीक है अब आप बोलोगे कि सर ये अरे हाँ तो पूरे गले में जलन और पूरी बॉडी में फीवर हो जाती है या अगर मैं तेज भी बोलू ना तब भी पूरी बॉडी में फीवर हो जाता है जैसे अभी मैं टू मेरे फीवर बीर्स स्टार्ट होगा क्योंकि मैं काफी तेज बोल रहा हूँ लेकिन दोस्तों आपकी एनर्जी देख के प्यार देख के मतलब वो चीज मतलब फील ही नहीं कर पा रहा मैं है ना तो मैं आप लोगों को बस ये बोलना चाह रहा हूं कि यार मैं चाह रहा हूं कि अगर मैं आप लोगों के लिए एफर्ट लगा रहा हूँ सब कर रहा हूं तो आप भी लगाओ क्योंकि देखो सिलेक्शन तभी होगा मैं कितना भी पढ़ा लू आपको जैसे एक बच्चा बोलता है कि सर आप ये कर दो वो कर दो ये कर दो लेकिन जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक कोई मतलब नहीं है तो मैंने पूरा जैसे मैं ना आपको लगता होगा कि सर पेड़ कोर्स में आप चार घंटे क्लास लेते होंगे नहीं मैं पेड कोर्स में मंडे टू फ्राइडे क्लास लेता हूं बच्चों को साफ बोलता हूं पांच दिन ही पढ़ाऊंगा सैटरडे संडे चाहिए रिविजन के लिए क्योंकि तो आप खूब पढ़ लो कुछ भी कर लो लेकिन आप लोग रिवाइज नहीं कर पा रहे तब भी बेकार है तो इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए एक क्लास लगाई एक क्लास अच्छे से पढ़ो रात को रिवाइज करो क्योंकि तो अगर जब तक रिवीजन नहीं करोगे वापस जो मैंने पढ़ाया अगर रिकॉल नहीं करोगे तो सब बेकार है कोई मतलब नहीं है ठीक है तो जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे आप लोग फॉलो करें कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बताओ दोस्तों ये मिरर फॉर्मूला तो रेलवे का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है इस बार सबसे ज्यादा क्वेश्चन ही आप लोगों के मिरर फॉर्मुले से आए दर्पण सूत्र से आए बताओ दर्पण सूत्र के अनुसार किसी दर्पण की फोकस दूरी किसके बराबर होती है पहले तो यह बताओ दर्पण सूत्र किसी को पता है क्या बिल्कुल सर पता है वन अपॉन एफ इज इक्वल्स टू होता है वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं आपको नहीं आता आपको नहीं पता यू क्या है वी क्या है देखो दोस्तों जैसे मान लो ये एक कौन के मिरर था अवतल दर्पण था इसके सामने आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा कोई वस्तु वस्तु दर्पण से कितनी दूरी पर है इसको हम लोग से से रिप्रेजेंट करते हैं दर्पण जो इमेज बनी वो कितनी दूरी पर है उसको वी से डिनोट करते हैं ये बात समझ में आई और हर दर्पण की कोई फोकल लेंथ होती है सर ये भी बता दो फोकल लेंथ क्या होती है दर्पण से उसके फोकस के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकल लेंथ तो इन तीनों में रिलेशन जो है ना वो ये होता है आप लोगों का क्लियर अब आप लोगों को बताना है कि जो ये फोकस दूरी है या फोकल लंबाई है कुछ भी बोल दो इसका मान आपको बताना है क्या करें तो वन अपॉन एफ इज इक्वल ले लो यू इंटू वी यहां पर आ जाएगा आपका वी यहां पर आ जाएगा यू तो वन अपॉन एफ की वैल्यू अगर ये आई है तो एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी यू इंटू वी बटे यू प्लस वी यार सिंपल गणित लग रही है इसमें तो साइंस तो लगी नहीं रही तो U into v बटे यू प्लस वी ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा क्लियर है चले आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों बहुत प्यारा क्वेश्चन है यार ये वाला मेरे को अच्छा क्वेश्चन क्वेश्चन लगा मस्त बनाया तो सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे अगर कोई रट्टा मार मार के जाना चाहे कुछ नहीं होने वाला था उसका एग्जाम में ग्रुप डी में यही हुआ अच्छे अच्छे हिल गए इवन दोस्तों किसी ने एनालिसिस ही नहीं करवाया ग्रुप डी का क्योंकि उन्होंने कराया टॉप 500 क्वेश्चन टॉप 300 क्वेश्चन और एग्जाम में आ रहे पूरे कंसेप्चुअल क्वेश्चन तो बस आपको कंसेप्ट अच्छे से पढ़ना है ठीक है क्योंकि रट्टे वाले क्वेश्चन नहीं आते अगर आप समझ के चलोगे साइंस तो मजा भी आएगा एग्जाम में क्वेश्चन भी सॉल्व होगा देखो उत्तल दर्पण के के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश पुंज होगा कैसे जाएगा मतलब कुल मिला ऐसे पूछना चाह रहा है जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना सबसे पहले डायग्राम बना दो दोस्तों ये रहा आपका कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण दोस्तों कोई सा भी दर्पण उसके मध्य बिंदु को आप लोग बोलते हैं पोल यानी ध्रुव दोस्तों अगर इसको फॉलो करोगे एक सर्किल बन जाएगा क्या बिल्कुल और उसका कोई सेंटर भी होगा क्या तो ये मान लो सेंटर है इसे आप लोग बोलते हैं दर्पण का सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र एक ऐसी रेखा जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाती है उसे आप लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सेस यानी मुख्य अक्ष इस पॉइंट और इस पॉइंट के एग्जेट बीच वाला जो पॉइंट होता है उसे आप लोग बोलते हैं फोकस समझ में आ गई ठीक है अब दोस्तों कोई प्रकाश पुंज आ रहा है प्रकाश पुंज का मतलब क्या है बहुत सारी प्रकाश किरणों का समूह मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा, ये बोला जा रहा है क्वेश्चन में समांतर आ रही है तो यह जाएगी कैसे आपको यह बतानी है पहली बात तो मैं आपको यह बता दू कॉन्वेक्स मिरर होता है डाइवर्जिंग मिरर यानी ये आने वाली प्रकाश किरणों को, को डाइवर्ज कर देता है कन्वर्ज नहीं करेगा कन्वर्ज नहीं करेगा कन्वर्ज नहीं करेगा कन्वर्ज नहीं करेगा ठीक है सर ये डाइवर्ट करेगा तो कैसे करेगा दोस्तों ये इस प्रकार से डाइवर्स करेगा ये इस प्रकार से डाइवर्ट करेगा कि आपको इसको पीछे एक्सटेंड करोगे ना तो आपको लगेगा कि ये फोकस से होती हुई निकल रही है जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो इस प्रकार से डाइवर्ज होती है इस प्रकार से डाइवर्ज होती है कि आपको लगता है मतलब पीछे मिलाओगे ना इनको ये फोकस पे मिलती हुई नजर आएगी यानी ऐसा लग रहा है कि फोकस से डाइवर्ज हो रही है ठीक है तो आपको क्या लगता है क्या सही में हो रही है कि नहीं ऐसा अपीयर होता है ऐसा प्रतीत होता है कि सर ये फोकस से डाइवर्ज हो रही है हो नहीं रही ऐसा प्रतीत हो रहा है सर बढ़िया था, बढ़िया क्वेश्चन क्वेश्चन था था या नहीं था अच्छा क्वेश्चन था चलो आगे चलते हैं दोस्तों यार आप सेशन को लाइक नहीं करते इसको मैं बोलना पड़ेगा प्लीज लाइक सब्सक्राइब तो आप खुद ही बोल कर दिया करो यार आप। चले आगे चले आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताओ जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ बताओ चलिए बताओ 100 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण में ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी क्या होगी देखो क्या से क्वेश्चन बना रहा है ये रहा आपका कौन के मिरर अवतल दर्पण दोस्तों दर्पण के मध्य बिंदु को आप लोग बोलोगे पोल यानी ध्रुव दोस्तों सिमिलरली इसका भी कोई ना कोई सेंटर होगा बिल्कुल सर होगा जिसे सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्ता केंद्र बोलेंगे एक ऐसी रेखा जो दोनों एक ऐसी ओरिजेंटल लाइन जो दोनों पॉइंट के गुजरती है आप लोग बोलोगे प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष अब एक चीज आप लोग ध्यान रखो वक्रता त्रिज्या देखो दर्पण में कोई भी दूरी का आप लोग मापन करोगे ना वो पोल से करोगे जैसे पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी को ही आप लोग बोलते हो रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्ता त्रिज्या तो वक्ता त्रिज्या अगर 100 सेंटीमीटर दे दिया यानी पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो दूरी है वो कितनी है 100 सेंटीमीटर है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों ध्यान रखिएगा पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के एग्जेट बीच वाला पॉइंट होता है फोकस तो अगर पोल से फोकस की दूरी पूछा जाता है तो आप लोगों से पचास आंसर हो जाता है सिंपल सा क्वेश्चन है चलो, स्क्रीन पे बताओ।, से बताओ बताओ लिथियम नाइट्राइड का सूत्र क्या है मतलब चार ऑप्शन देख के आपको यह बताना है कि लिथियम नाइट्रोजन के साथ में कैसे कनेक्ट होगा ऐसा क्वेश्चन क्या मैंने कल बताया था क्या जरा कमेंट करके बताओ अगर मैंने बताया था तो फिर आपको ये कॉन्सेप्ट सीख गए होंगे अब आप लोग अप्लाई करके बताना है देखो दोस्तों लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम सर तीन होता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम एटोमिकाइड्रोजनियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन सर सात होता है बहुत बढ़िया आपको यह पता है अगर इसका परमाणु क्रमांक तीन है तो इसका मतलब इसके परमाणु में प्रोटोन की संख्या कितनी है तीन है जितने प्रोटोन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो प्रोटोन तीन तो इलेक्ट्रॉन भी तीन नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक सात है यानी इसके परमाणु में

दोस्तों क्या ये स्टेबल है क्या क्या ये स्टेबल है क्या नहीं क्योंकि तो सर ना इसके भाईतम कोश में आठ इलेक्ट्रॉन है ना इसके कोश में आठ इलेक्ट्रॉन है तो दोस्तों ये 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 भी भी स्टेबल 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 होना होना चाहता चाहता है है होंगे कैसे मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझो प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझो अगर नाइट्रोजन के पास में कहीं से भी तीन इलेक्ट्रॉन आ जाए तो क्या ये स्टेबल हो जाएगा क्या बोलो हाँ या ना बिल्कुल सर लिथियम कैसे होगा उसके पास में कहीं से सात इलेक्ट्रॉन आए तब जाके स्टेबल होगा क्या दूसरा तरीका है क्या बिल्कुल सर अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दे तो इसकी पहली कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे दोस्तों पहली कक्षा की कैपेसिटी ही दो इलेक्ट्रॉन की है तो अगर इसमें दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो वो स्टेबल रहेगा ना तो ये क्या करना चाहेगा ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा ये कहीं से तीन इलेक्ट्रॉन लाना चाहेगा लिथियम जाएगा नाइट्रोजन के पास में कि नाइट्रोजन भैया कि मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले लो नाइट्रोजन बोलेगा यार मुझे तीन की जरूरत है तो एक काम कर तेरे जैसे दो बंदे और लेकर आ क्योंकि तो तुमको सबको एक एक इलेक्ट्रॉन देना है मुझे तीन लेने हैं तो तीन बंदे लेके आ तेरे जैसे तो तुम तीनों एक 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 दे देना और मैं तीन टोटल ग्रहण कर लूंगा तो ये आपका फॉर्मूला होगा दोस्तों आई बात समझ में बात आई समझ में तो कभी भी आप लोग अल्टअप पे मत लगाओ कि यार कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला पता नहीं ये होगा या एग्जाम में भूल जाओ ये होगा तो मैंने आपको बताया है ये होगा और कैसे होगा ये आप लोग इजीली बता सकते हो अगर आपको परमाणु क्रमांक पता है कॉन्सेप्ट पता है क्लियर है क्या आगे बात समझ में बोलो आगे क्या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताओ बताओ आंसर बताओ बताओ दोस्तों यहां पर एक रिएक्शन दी गई है एक अभिक्रिया दी गई है कि लेड ऑक्साइड की अभिक्रिया जब कार्बन से करवाई आपने तो एक तो लेड मिला प्लस कार्बन डाई ऑक्साइड बना तो आपको यहां पर चार स्टेटमेंट दिए गए हैं आपको पहचानना है कौन सा गलत है देखो दोस्तों सबसे पहले आप लोग समझो कि जो लेड ऑक्साइड है अगर इसमें से मैं ऑक्सीजन हटा दूं तो आपको लेड मिल जाएगा क्या बिल्कुल तो अगर किसी से ऑक्सीजन हट रहा है इस प्रक्रिया को आप लोग बोलते हैं रिडक्शन यानी अपचयन तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है सर ये बात तो बिल्कुल सही बोली आपने दोस्तों कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तभी तो आपका सीओ बन रहा है Osionfish. तो जब किसी में ऑक्सीजन जुड़ता है तो आप लोग बोलोगे उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका ऑक्सीकरण हो रहा है तो कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है कार्बन ऑक्सीडाइज कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण हो रहा है क्लियर तो ऑप्शन नंबर सी मतलब स्टेटमेंट नंबर सी भी सही है क्या लेड का अपचयन हो रहा है क्या नहीं सर लेड तो प्रोडक्ट में अगर किसी का ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचैन हो रहा है वो कैसे चेक करोगे वो रिएक्टेंट होने चाहिए ना अभिकारक होने चाहिए ना वो तो बन गया प्रोडक्ट में प्रोडक्ट बन गया अब उसके साथ में कुछ हो ही नहीं सकता ना उसका ऑक्सीकरण ना उसका अपचैन तो हटाओ ये गलत बात है कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों ये भी प्रोडक्ट में प्रोडक्ट में जो बन गया वो बन गया अब उसका ना कुछ ऑक्सीकरण हो सकता ना अपचैन हो सकता है इसको हटाओ तो सी और डी सही है ए और बी गलत है आप लोगों से गलत स्टेटमेंट ही पूछा गया था तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा आई बात समझ में आई बात समझ में आ गई बात समझ में तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए दोस्तों ये क्वेश्चन का मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा और आपको मजा आ जाएगा झूम जाओगे आप आपसे बोला गया है कि इनमें से कौन सा स्केलेटल इक्वेशन है अब आप का दिमाग खराब हो गया सर ये स्केलेटल इक्वेशन कौन सी आ गई आपको तो मेरे हिसाब से यह भी नहीं पता होगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में क्या फर्क है जैसे ये जो लिखा हुआ है ना वो सारे इक्वेशन है समीकरण जैसे मैथ्स में लिखा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्तर बराबर फोर तो एक समीकरण है देखो केमिकल रिएक्शन क्या है एक प्रोसेस है कि आपने फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड में डाला जिंक एक रिएक्शन करवा रहे हो और ये जो आप लोग लिख रहे हो ना उस तो रिएक्शन जो आपने रिएक्शन करवाई उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है इसको बोलोगे इक्वेशन ये समीकरण है आपने जस्ट लिखा है एक्चुअल में यहां पर करवा थोड़ी रहे अपने हाथ से समझ में आ गए तो चारों के चारों समीकरण है सर इसमें से स्केलेटल कौन सर मुझे तो पता ही नहीं स्केलेटल क्या होती है दोस्तों यही तो मैं बोलता हूं एनसीएट कुछ भी पढ़ लो आप कहीं से पढ़ लो मैं आपको बोल रहा हूं मैं प्लीज प्लीज प्लीज, प्लीज, प्लीज आपके पास में समय कम है जो एक आप लोगों के पास में ऑथेंटिक चीज है देखो पहले इस क्वेश्चन आते हैं देखो आप लोगों के क्लास टेन का साइंस का चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वहां पर आपको दो चीज बोली गई है कि ऐसी रिएक्शन को स्केलेटल बोलते हैं जो अनबैलेंस होती है जो अनसंतुलित होती है जैसे ये अब आप लोग देखो एग्जामिनर ने एक्चुअली में ये वाली इक्वेशन ही दी और आपसे पूछा इनमें से स्केलेटल कौन सी वो दूसरा भी पूछ सकता था क्योंकि इसने तो बता दिया कि जो अनबैलेंस होती है उसको हम लोग स्केलेटल बोलते हैं तो पहले तो आप लोग ये चेक करो इसमें से अनबैलेंस कौन सी है सर कैसे चेक करें कोई कोई इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है दोस्तों आप क्या करना है लेफ्ट में देखो राइट में देखो एटम की संख्या बराबर होनी चाहिए जैसे पहले बात करते हैं मैग्नीशियम दोस्तों मैग्नीशियम के लेफ्ट में लेफ्ट में मतलब इससे टोटल एटम कितने हैं सर एक एटम है तो मैग्नीशियम का लेफ्ट में एटम है एक सर राइट में कितना है सर राइट में भी है एक क्या बात है सर मैग्नीशियम के, के एटम की संख्या तो समान है बिल्कुल बढ़िया लेकिन सबकी चेक करनी है आपको ऑक्सीजन की चेक करो ऑक्सीजन लेफ्ट में कितने हैं टोटल दो आपके एटम है टोटल दो परमाणु है राइट right में कितने हैं सर केवल एक है तो दोस्तों आप लोगों के यह इक्वेशन बैलेंस नहीं है अनबैलेंस है अनबैलेंस इक्वेशन को ही आप लोग बोलते हैं स्केलेटल है धाच अभी केवल अभी तो इसको आपको बैलेंस करने की जरूरत है ऑप्शन नंबर ए आई बात समझ में बात आई समझ में अरे बात आई समझ में कि स्केलेटल क्या है क्लियर कि इनमें से कौन सी चार इक्वेशन में से कौन सी एक स्केल्टल केमिकल इक्वेशन है आगे गलत नहीं करोगे ना आगे गलत नहीं करोगे ना अरे आगे गलत करोगे क्या नहीं करोगे सर तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना मैं एनसीआरटी को फॉलो करता हूं एक एक लाइन अगर आप लोग क्वेश्चन ही लाइन से बनते हैं यार अगर एनसीआरटी ने लिख दिया ना कहीं पर कि इसके मेल्टिंग पॉइंट इतना है तो आपको जितने भी पदार्थ का लिखा हुआ है सब ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि आते हैं क्वेश्चन आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताओ ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया आप लोगों के लिए कि निम्नलिखित में से किस समूह में तीनों पोलिसकेराइड के उदाहरण है देखो दोस्तों आप लोगों को पता है क्या कार्बोहाइड्रेट क्या होता है बिल्कुल सर जो मैं भोजन खाता हूं ना सर उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है फैट भी होता है प्रोटीन भी होता है एक्चुअली में दोस्तों कार्बोहाइड्रेट जो है ना इसको आप लोग शुगर शर्करा के नाम से भी जानते हो ठीक है कार्बोहाइड्रेट आप लोगों के बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं एक, देखो कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली में क्या है बहुत छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना होता है बहुत छोटी छोटी यूनिट से अगर किसी कार्बोहाइड्रेट में केवल एक यूनिट है तो इसको बोलते हैं मोनोसेकेराइड अगर किसी कार्बोहाइड्रेट में दो यूनिट है तो उसको बोलते हैं डाई अगर किसी में बहुत सारी है दस बारह बीस है तो उसको बोलते हैं पॉलीसेकेराइड जैसे आप लोग जो खाते हो ना आपने सुना होगा स्टार्च जो कि सब्जियों में फलों में पाया जाता है वो क्या है एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है समझ में आ गई क्या बात को दोस्तों हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है ग्लाइकोजन के रूप में होता है तो ये भी एक प्रकार का पॉलिसेकेराइड है सेल्यूलोज जो आप लोगों को प्लांट में मिलता है ये भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट और कौन सा पॉलीसेकेराइड है तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सुक्रोज डाइसेकेराइड है माल्टोज जो है वो डाइसेकेराइड है, है, है ग्लूकोज जो है वो आपका मोनोसेकेराइड है तो दोस्तों क्या मैं तीन तीन तीन, तीन एग्जाम्पल दे दू याद रख लोगे मैं वो एग्जाम्पल बताता हूं जो आपसे एग्जाम में पूछता है देखो तो मोनोसेकेराइड के तीन फेमस एग्जाम्पल हो गया ग्लूकोज सर फ्रक्टोज़, सर गैलेक्टोज ये याद रख लोगे क्या हां नहीं करते सर डाई के, के तीन फेमस एग्जाम्पल ध्यान रखो एक तो माल्टोज माल्टोज एक सुकरोज सुक्रोज एक लैकटोज एक चीज और बता दू क्या अगर आपसे पूछा जाए ये वाली कार्बोहाइड्रेट कहां पर मिलती है आप लोग बोलोगे मिल्क में मिलती है इसीलिए हम लोग इसको मिल्क शुगर या मिल्क कार्बोहाइड्रेट के नाम से जानते हैं अगर आप लोगों से बोला जाए सुक्रोज का कोई और भी नाम है क्या बिल्कुल दोस्तों इसको टेबल शुगर के नाम से भी जानते हैं दोस्तों अगर किसी में फ्रक्टोज है किसी पदार्थ में अगर फ्रक्टोज है ना तो वो बहुत मीठा होगा क्योंकि तो ये बहुत मीठी कार्बोहाइड्रेट है ध्यान रखोगे। अगर आप लोगों से पूछा जाए ग्लूकोज का फॉर्मूला बताओ फ्रक्टोज का बताओ गैलेक्टोज का, तो का सेम फॉर्मूला है सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स लेकिन तीनों के थोड़े बहुत अंदर स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं है बस फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखोगे चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताओ बताओ निम्न में से कौन सा एंजाइम है जो स्टार्च जो कि एक क्या है कार्बोहाइड्रेट है और कैसे कार्बोहाइड्रेट है पॉलीसेकेराइड यानी बहुत सारी यूनिट से मिलकर बनी हुई है तो इसको सिंपल शुगर में तोड़ता है सिंपल में जैसे मान लो दो में या एक में तोड़ता है ऐसा कौन सा एंजाइम है दोस्तों एंजाइम क्या होता है सर ये हमारी बॉडी में बनने वाले पदार्थ हैं जो हमारे बॉडी में फूड का डाइजेशन करवाते हैं भोजन का पाचन करवाते हैं क्लियर है क्या कोई एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का करवाएगा कोई प्रोटीन का करवाएगा कोई फैट का करवाएगा कोई कौन सी वाली कार्बोहाइड्रेट का करवाएगा तो स्टार्च जो एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट है तो उसका डाइजेशन कौन सा एंजाइम कराता है देखो सबसे पहले जब भोजन को आप लोग रखते हो ना मान लो इस भोजन में आपके पास में स्टार्च है तो हमारे सलाइवा लार में एक एंजाइम बनता है जिसका नाम है एमाइलेज ये क्या करता कर देता है स्टार्च का डाइजेशन कर देता है स्टार्च को तोड़ देता है माल्टोज में किसमें माल्टोज में क्लियर है क्या दोस्तों आप ध्यान रखें स्टार्च से जो माल्टोज टूट रहा है ना केवल सत्तर परसेंट स्टार्च ही है जो कि माल्टोज में टूट रहा है फिर सर बाकी का का स्टार्च डाइजेशन कहां पर होगा जैसे जैसे भोजन आपके नीचे जाएगा ना तो ध्यान रखो पेन अग्नाशय से भी आप लोगों का क्या बनता है ये वाला एंजाइम बनता है सेम एमाइलेज तो बाकी का तीस परसेंट जो होता है वो उस वाले एमाइलेज के द्वारा टूट टूट जाएगा तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्लियर अब दोस्तों सलाइवा से भी एमाइलेज बन रहा है लार में भी एमाइलेज एंजाइम है और पेनक्रिया से जो बंद रहा है उसका भी नाम यह है तो जो सलाइवा जो लार में ये जो एंजाइम पाया जा रहा है उसका एक अलग नाम दे, दे विशेष नाम बिल्कुल दे दो तो एमाइलेज को सलाइवा में जो एमाइलेज पाया जाता है उसको टाइलिन के नाम से भी जानते हैं दोस्तों किसी ने डाइजेस्टिव सिस्टम वाली क्लास देखी थी क्या सिलेक्शन लेना चाहते हो क्या जीवन में बताओ ये मैं बहुत पालतू मेरा एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन गया दो से तीन मिनट का क्योंकि मैं आपको मैंने बताया यार सैटरडे को मैं आप लोगों को थ्योरी पढ़ा रहा हूं मैं आपको सैटरडे को मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया पाचन तंत्र पढ़ाया उसमें मैंने सारी चीजें आप लोगों को बताई है चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताओ इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सबसे ज्यादा

क्योंकि पीरियोडिक टेबल में अगर आप लोग लेफ्ट से राइट right पे जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बढ़ती है अगर आप लोग ऊपर से नीचे आते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है तो इनकी लोकेशन देख ले क्या चलो आ जाओ इनकी लोकेशन देखते हैं देखिए देखिए ठीक है दोस्तों ये पहला ग्रुप ये तीसरा ग्रुप ये तीसरा करके ऐसे ऐसे कर करके मैं यहां पर पहुंच जाता हूं तेरहवे ग्रुप ठीक है तेरवे ग्रुप की शुरुआत होती है यहां से बैंगन आलू गाजर चलो इतना याद रख लो कोई बात नहीं है, ठीक है एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक है तेरा आपको पता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक में सेट कराया अगर तेरह इधर है तो चौदह जो होगा वो इधर होगा पंद्रवा वाला इधर होगा सोलवा वाला इधर होगा सत्रवा वाला इधर होगा अट्ठारवा वाला इधर होगा तो सोलह किसका होता है सल्फर सल्फर का होता है सोलह यानी सल्फर आपका इधर आएगा फॉस्फोरस का होता है पंद्रह यानी फॉस्फोरस आएगा आपका इधर क्लोरीन का होता है सत्रह एटॉमिक नंबर तो क्लोरीन आपका इधर आएगा तो देखो एल्युमिनियम से ज्यादा होगी फॉस्फोरस की फॉस्फोरस से ज्यादा होगी सल्फर की सल्फर से ज्यादा होगी क्लोरीन की तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो अरे क्लोरीन की होगी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आई बात समझ में अरे आ गई क्या समझ में चलो लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपका दिमाग घूम जाएगा और जब आप लोग मैं बताऊंगा ना क्वेश्चन उठाया कहां से है तो आपको खुद को पता पड़ जाएगा बताओ अंकिता मोटिवेशनल स्टडी बोल रही है सर आपकी क्लास मुझे ऑफलाइन लेनी पड़ेगी स्पीड बहुत हां तो ले लो ना क्या दिक्कत है आप ऐसे कमेंट करके अंकिता जी सोच रहे हो कि सर मैं फास्ट पढ़... देखो मैं आप जो मैं बेस्ट लग रहा है आपके लिए सब कर रहा हूं आप मुझे टॉर्चर मत करो एक लड़की है जिसका नाम है बोले सर कल से मैं आपकी क्लास ऑफलाइन लूंगी आपके तो आप मुझे क्या वो कर रहे हो क्या टॉर्चर कर रहे हो क्या क्योंकि तो नहीं सर ये शर्म आनी चाहिए आपके ऐसे कमेंट के लिए जैसे कल मैंने क्लास ली उसमें सारे बच्चों ने अच्छे अच्छे कमेंट करे अप्रिशिएट कर रहे थे एक दो बच्चे थे बोले सर ये वो मतलब आप ये देख रहे हो टीचर आपके लिए मेहनत करो पर था। बोले सर मैं ना वरना किसी और चैनल पर चल जाऊंगा अरे जाओ ना मेरे ऊपर थोड़ी है भाई मैं आपको मुझे पता है मैं आपको बेस्ट पढ़ा रहा हूँ आपका सिलेक्शन करवा रहा हूँ अगर आप को पढ़ना है तो आप पढ़ोगे यार सिंपल सी बात है लेंस बनाने के लिए किसका उपयोग नहीं किया जाता है देखो लेंस हमेशा जो बनेगा ना वो किसी ट्रांसपेरेंट पदार्थ का बनेगा किसी पारदर्शी पदार्थ का बनेगा अब आप लोग बोलोगे सर वाटर पारदर्शी होता है तो इसका बना सकता हूं क्या बिल्कुल बनाओ ना सर कांच जो होता है वो पारदर्शी होता है इसका बना सकता हूं क्या बिल्कुल अब आप लोग बोलोगे कि सर जो प्लास्टिक होता है ना वो तो पारदर्शी होता ही नहीं है तो आपको लगेगा कि सर मैं ये सही करूंगा एग्जाम तो देखो, देखो क्लास टेन का जो आपका एनसीआर का, का चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन प्रकाश पर एक बात बोली गई है कि अब आप ये एक्सपेरिमेंट है ना इससे चेक करो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक स्लैब यानी उन्होंने भी बताया है कि जो प्लास्टिक होते हैं ना वो ट्रांसपेरेंट भी होते हैं अलग अलग टाइप के प्लास्टिक होते हैं तो प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट भी होते हैं यानी सर प्लास्टिक जो है इसका लेंस बनाया जा सकता है तो ये भी आपका बनाया जा सकता है मिट्टी से नहीं बना पाओगे यार मिट्टी ट्रांसपेरेंट नहीं होती तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आई बात समझ में आई बात समझ में अच्छा क्वेश्चन था ना तो मैं आपको एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस बता रहा हूं आप लोगों को तो डेली सुबह दस बजे जुड़ो दोस्तों मजा आप लोगों को आएगा कुछ बच्चे बोल रहे थे सर शाम को चार बजे भी कुछ करा दो दोस्तों देखो अगर मेरे को कुछ होगा क्या आज कुछ इंटरेस्टिंग एक छोटा सा टॉपिक मैं करा दूंगा आप निश्चिंत रहो टेलीग्राम चैनल पर मैं नोटिस डाल दूंगा बस दस से ग्यारह आपने फॉलो कर लेना तो आपको कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है ऐसी मैं गारंटी दे रहा हूं दोस्तों एक चीज और आप लोगों को अगर आप लोग जनरल साइंस डिटेल में पढ़ना चाहते हो मतलब जीवन में एक बार साइंस पढ़ना चाहते हो कि सर मुझे जीवन में कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी सर मेरे एनटीपीसी में बहुत टाइम है ग्रुप डी में है सर ग्रुप डी में पच्चीस की आएगी सर जेई में मार्क्स की आएगी सर NTPC में आएगी आरपीएफ में आएगी दोस्तों मैं आपको बोल रहा हूं कंटेंट देख लो इस प्रकार से हर एक चीज आप लोगों के लिए मेहनत से इस प्रकार बना रहा हूं और आप लोगों को आज पता भी आज 20 फरवरी है आप लोगों को ने जैसे जैसे बोला आप लोगों के लिए वो चीज मैंने कर दी कि सर ऑफर दो आज दोस्तों आखिरी डेट है मैं फिर आपको बताता हूं 20 फरवरी है आज दोपहर रात को 12 बजे तक आप लोगों का एक कोड रहेगा एस एम हंड्रेड दोस्तों कोर्स के बारे में मैं आपको बताता हूं सर ये कोर्स है क्या फाउंडेशन बैच है मतलब मैं ये मान के चल रहा हूं आपको कुछ भी नहीं आता और बिल्कुल एडवांस तक मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं सेवन डबल नाइन का है लेकिन जब आप लोग एस एम हंड्रेड कोड यूज करेंगे सौ रुपए का छूट मिल जाएगा दोस्तों फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इन्वायरमेंट सब करवा रहा हूं एक चीज ध्यान रखना आज से केमिस्ट्री पूरी खत्म हो चुकी है बायोलॉजी स्टार्ट हो रहा है जीव विज्ञान हो रहा है आज से ध्यान रखो डेली लाइव क्लास होती है दोपहर एक बजे मिस करते हो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी एनसीआई एटिक, का हर एक कॉन्सेप्ट कवर है एक चैप्टर जब भी हम करते हैं जितने भी प्रीवियस ईयर है वो हम लोग करते हैं एक साल की वैलिडिटी है दोस्तों ध्यान रखो जिस दिन कोर्स परचेस करोगे तब से एक साल तक रहेगा और आप लोगों की टेस्ट सीरीज भी फ्री है चैप्टर वाइज जैसे ही आप लोगों का एक चैप्टर खत्म होगा जाके टेस्ट लगाओ तैयारी चेक करो पीडीएफ पीडीएफ का रोना मत रोना सारी पीडीएफ है कलर पीडीएफ भी है हैंडरिटन नोट वाली पीडीएफ भी है मतलब आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है क्लियर है तो प्ले स्टोर तो पर आपका पहले नंबर का जाएगा, इस पे जाके आप से कितनी आए कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा और आपको डेली करना है कि सर यस क्लास टू अटेंडेंस क्लास थ्री अटेंडेंस क्योंकि मुझे पता पड़ना चाहिए कि यार आप कितने बच्चे यहां पर जो हो सीरियस हो कितने नहीं हो ठीक है तो आफ्टर दी क्लास मुझे कमेंट चाहिए सर बीस में से कितने सही हुए मैं आप लोगों का मुझे डेली का वो चाहिए फीडबैक कि भैया आप कितने सही कर रहे हो कितने गलत कर रहे हो साथ में अटेंडेंस भी होनी चाहिए कि हां सर आई एम अटेंडिंग दिस क्लास ओके थैंक यू सो मच टेक केयर बाय अपना ध्यान रखना